देशर परिवारवादी पार्टी को मोदी टार्गेट वंशवादी राजनैतिक दलगुड़िक युवपीढ़ी को राजनीति को आसवा को रास्ता छाड़ना से सबुले निजर स्वार्थपाई कम करोपाई दुर्नीति बढ़ी थाए एपरी दल गणतंत्र विपद बोली आज हैदराबाद में बीजेपी कर्मकर्ता संबोधित कर प्रधानमंत्री मोदी यह व्यतीत केन्द्र में बीजेपी सरकार आसवापुर किपरी देशर विकास कम कर बरणी रखि प्रधानमंत्री भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है, परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती है, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती है। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है कि एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रखते हैं। जनता का विकास में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। पिछड़ेपन, समाज पीछे रहे उसी में उनका भला देखते हैं। साथियों, परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है।